नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय दबरई में पूर्व सांसद अक्षय यादव के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अक्षय यादव ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पार्टी हित में समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी चुनावों में पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं को लगने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ जनपद वासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी गयी। बैठक में राजकुमार राठौर, मोहित राठौर, जिला अध्यक्ष रमेश चंचल, राजू वही जरार अहमद, डॉक्टर जफर आलम, मुकेश वर्मा विधायक शिकोहाबाद, वर्तमान पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से रिपोर्ट, इरफान अब्बासी। आज के बाद आप सभी लोग पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हैं। मकर संक्रांति का दिन है, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपस में हम लोग बैठे हैं। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव, उस पर भी चर्चा हुई है। नगर पालिका नगर निगम के चुनाव जो अभी 3 महीने बाद तो कहा है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि ये और लेट हो, उस पर भी चर्चा हुई है। और कार्यकर्ता सब मिलकर काम करें और पार्टी को मजबूत बनाएं, इस पर चर्चा करें।